हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमएस मैथ्स। सो सॉलिड ज्योमेट्री 3D बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए आज हम बात कर रहे हैं पैराबोलॉइड के कुछ नेक्स्ट टॉपिक्स के बारे में, और उनमें से हम इस वीडियो में बात करेंगे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल ऑफ पैराबोलॉइड। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इक्वेशन ऑफ नॉर्मल ऑफ पैराबोलॉइड। सो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल ऑफ पैराबोलॉइड फाइंड करने के लिए पहले हम यहाँ से देखते हैं कि इक्वेशन ऑफ पैराबोलॉइड हमको क्या गिवन है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूं इक्वेशन ऑफ पैराबोलॉइड, हमको पैराबोलॉइड की कोई इक्वेशन जो है वो गिवन है, तो क्या गिवन है। ओके, वो इक्वेशन मैं यहाँ पे लिखता हूं, दैट इज ए एक्स स्क्वायर बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू टू सी जेड। दिस इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोलॉइड, इक्वेशन नंबर वन। देन मैं बात करता हूं यहां से कि एक पॉइंट हमको गिवन होगा, उस पॉइंट से आपको नॉर्मल ड्रॉ करनी है, तो हम वो भी लिख लेते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे आपके पास में टेंजेंट प्लेन है, उसकी भी इक्वेशन हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो मैं लिख देता हूं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन एट अल्फा बीटा गामा पॉइंट। कोई अल्फा बीटा गामा पॉइंट है, उस पे टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन क्या होगी, दैट इज ए एल एक्स प्लस बी ए अल्फा एक्स प्लस बी बीटा वाई प्लस ये हो जाएगा इज इक्वल टू में हो जाएगा ये हो जाएगा सी जेड प्लस गामा। दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन, इक्वेशन नंबर टू। ओके, ये क्या हो जाएगी, इक्वेशन नंबर टू हमने इसको रिप्रेजेंट कर लिया। फिर हम देखते हैं यहाँ पे कि डीआरस ऑफ यानी कि डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल, जो अगर मैं बात करूं कि ये जो टेंजेंट प्लेन है, देखो आप यहां से कैसे, अगर मैं क्या करता हूं कि ये इस टाइप से मान लेते हैं पैराबोलॉइड है। ओके, ये जो पैराबोलॉइड है, इस पैराबोलॉइड पे किसी पॉइंट से ड्रॉ कर रहे हैं हम नॉर्मल, तो बेसिकली वो क्या करेगी, पहले उस टेंजेंट प्लेन पे जाएगी। तो हम क्या करेंगे, इस टेंजेंट प्लेन से इस पॉइंट के बीच में जो डायरेक्शन रेशियोज हैं वो फाइंड कर लेते। डायरेक्शन रेशियो कहां से आएंगे, टेंजेंट प्लेन से आएंगे। तो मैं यहां पर लिखता हूं डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल एट अल्फा बीटा गामा पॉइंट। उस अल्फा बीटा गामा पॉइंट पे जहां पे टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन है, यही है ना अल्फा बीटा गामा, वहां पे आपके पास में डायरेक्शन रेशियो क्या होंगे, द डायरेक्शन रेशियो एट दैट पॉइंट वेयर द टेंजेंट प्लेन, वेयर द वेयर वी हैव द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन, जहां पे अल्फा बीटा गामा की इक्वेशन हमको फाइंड है। तो आप देखेंगे L इज इक्वल टू ए अल्फा है, M इज इक्वल टू बी बीटा हो जाएगा, एंड N इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओनली C होगा, गामा नहीं होगा, इसके साथ में माइनस C होगा। वो भी कैसे होगा, आप देख सकते हैं इधर ये प्लस में है, इधर से मल्टीप्लाई होगा, तो यहां पे आएगा माइनस C, इसकी वैल्यू हो जाएगी। तो अब आपको नॉर्मल की इक्वेशन फाइंड करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वाई, क्यों नहीं होनी चाहिए दिक्कत, क्योंकि नॉर्मल ऑफ इक्वेशन आपको इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड करना है, तो नॉर्मल इज अ लाइन, लाइन की इक्वेशन फाइंड करेंगे और एलएमएन की वैल्यू ये पुट कर देंगे। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, तो नॉर्मल की जो इक्वेशन होगी दैट विल बी एक्स माइनस अल्फा अपॉन एल इज इक्वल टू एट पॉइंट अल्फा बीटा, लिख देता हूं एट पॉइंट अल्फा बीटा गामा, y माइनस बीटा अपॉन m इज इक्वल टू जेड माइनस गामा अपॉन n। अब आप कहेंगे कि एलएमएन की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर लेते हैं, तो चलो एलएमएन की वैल्यू पुट कर लेते हैं हम यहाँ पे। एलएमएन की वैल्यूज क्या हैं, देखो आप यहाँ पे a अल्फा b बीटा और माइनस c, सो दिस इज द गिवन इक्वेशन, दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन, दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल ऑफ पैराबोलॉइड। ओके, ये पैराबोलॉइड के लिए जो है रिक्वायर्ड इक्वेशन हो जाएगी। सो आई होप आपको जो पूरा टॉपिक है वो क्लियर हुआ होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप वॉचिंग एमएस मैथ्स एंड सब्सक्राइब द चैनल एमएस मैथ्स।